नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो अपडेट है ये एचटेट को लेकर है। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी एचटेट के लिए अप्लाई करें तो जल्दी आपको इसका फॉर्म देखने को मिलेगा। इसको लेकर एक बहुत बड़ा नोटिस सामने आया है जो कि मैं आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी मेरी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि एचटेट को लेकर कब से आवेदन शुरू होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो है ये एक नोटिस है, एक तरीके से लेटर है जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हांसी रोड भिवानी से संबंधित है। इसमें कि विषय डाल रखा है हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा नवंबर 2019 के आयोजन हेतु तिथियों एवं जन सूचना पत्रक के निर्धारण अनुमोदन के बारे में। तो इसमें इन्होंने एक लेटर लिखा है और साफ साफ कहा है कि पूर्व परीक्षाओं के आयोजन के लिए सामान्य परिस्थितियों में भी 90 दिन का समय लगता है, अतः आगामी परीक्षा के आयोजन हेतु शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2017 की अनुपालना में सक्षम अधिकारी द्वारा इस वर्ष 16 नवंबर 2019 एवं 17 नवंबर 2019, इस डेट को दोबारा से सुन लीजिए, 16 नवंबर 2019 एवं 17 नवंबर 2019 दिन होगा उस दिन शनिवार और रविवार को लेवल 1, 2 एवं 3 की परीक्षा आयोजन करवाने के बारे में तिथियां प्रस्तावित की हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित परीक्षा तिथियों एवं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन करते हुए इस कार्यालय को सूचना भेजने का कष्ट करें, ताकि परीक्षा के सुचारू रूप से आयोजन करने बारे समय रहते औपचारिकताएं पूरी कर ली जाए। यानी कि इसमें लेटर के द्वारा जो विभाग है उससे कहा गया है कि हमने जो तिथियां प्रस्तावित की हैं इसको लेकर आप अपना फाइनल अनुमोदन इस पर दें, ताकि हम समय रहते पूरी तैयारी कर सकें। और ये जो तिथियां इन्होंने प्रस्तावित की हैं 16 नवंबर और 17 नवंबर, जो कि शनिवार और रविवार का दिन होगा, इस दिन हम परीक्षाएं आयोजित कर सकें। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह रखा है कि जो शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिनांक 15 जुलाई 2011, 21 जुलाई 2011 के अनुसार एनसीटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष एक बार आयोजित करवाने हेतु इस कार्यालय को प्राधिकृत किया गया है। तो ये इन्होंने कहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा विभाग के मेमो नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेमो नंबर दिनांक है 10 अक्टूबर 2017 के दिशा निर्देशों अनुसार प्रतिवर्ष नवंबर मास के तृतीय शनिवार रविवार को आयोजित करवाए जाने के बारे में भी पत्र इस विभाग को प्रेषित किया हुआ है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है इसको लेकर, और यहाँ से ये बात निकल कर आती है साफ साफ कि जो परीक्षा है वो आपकी 16 नवंबर 2019 और 17 नवंबर 2019 को हो सकती है। तो अगर ये इस पर अगर फाइनल अप्रूवल मिल जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप यूं मान लीजिए आपको सितंबर आफ्टर मिड सितंबर के आसपास आपको जो इसके फॉर्म है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप एचटेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप भी एचटेट के लिए अप्लाई करें तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और जल्दी आपको इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिनको इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।